कश्मीर कोई जगह नहीं है, कश्मीर इज ए रीजन। इसी तरह से लद्दाख कोई जगह नहीं है, लद्दाख इज ए रीजन। और लद्दाख में दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है ले डिस्ट्रिक्ट विच इज बुद्धिस्ट मेजॉरिटी, दूसरा है कारगिल डिस्ट्रिक्ट विच इज मुस्लिम मेजॉरिटी। और मुस्लिम मेजॉरिटी ले वाले प्रो यूनियन टेरिटरी थे आज से नहीं 40 साल से, और कारगिल वाले उतने ही एंटी यूटी हैं जितने ले वाले। तो ये यहां बताया जाता है कि लद्दाख, तो लद्दाख ये मिसनॉमर है, ले कहिए, क्योंकि वहां दो एजिटेशनें चल रही हैं कारगिल में, एक टेलीविजन के खिलाफ भी, वो कहते हैं कि लद्दाख वाले, तो लद्दाख वाले तो हम भी हैं भाई, कारगिल डिस्ट्रिक्ट। तो इसलिए ले और कारगिल को कभी भी हमारे जो एंकर से गलती मत करिए, ले वाले प्रो यूटी थे इसलिए वहां का टेलीविजन दिखा रहा है, लेकिन कारगिल वाले एंटी यूटी है उसका कोई नहीं दिखा रहा है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। तो इसलिए जम्मू से भी, क्योंकि जम्मू शायद आर्टिकल 370 के खिलाफ थे वो दिखाया जाता है, लेकिन जम्मू के 9 डिस्ट्रिक्ट जो आर्टिकल 370 के फेवर में है वहां नहीं दिखाया जाता है। तो ये इस तरह से मैं मीडिया को कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के इस झांसे में मत आइए कि दो जगह ले डिस्ट्रिक्ट में प्रो वो एंटी, ले डिस्ट्रिक्ट वाले भी एंटी आर्टिकल 370 है, एंटी आर्टिकल 370 है लेकिन प्रो यूटी है, लेकिन आर्टिकल 370 के वो भी खिलाफ है क्योंकि ले की जमीन चली जाएगी। और जम्मू में चाहे वो आर्टिकल 370 के फेवर में हो, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, लेकिन 370 के वो भी खिलाफ। तो इसलिए कभी भी सरकार की इस ब्रीफिंग का आप उसका शिकार मत होइए, जब वो जम्मू शहर के 4 आदमियों को नाचते दिखाते हैं या ले के 4 आदमियों को नाचते दिखाते हैं, उसका ये मतलब नहीं है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जहाँ रिजेंटमेंट है आर्टिकल 370 के खिलाफ या स्टेट को बांटने के खिलाफ, वो 20 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कोई न्यूज़ नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, चाहे वो पेपर पे हो या टेलीविजन पे है, मैं खाली आपको ये सतर्क करना चाहता हूँ। मैंने मीडिया का बताया कि आपको इसलिए तो सतर्क, क्योंकि आपको जो गवर्नमेंट बताएगी आप वो करिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट से आप सतर्क रहें। लेकिन आप मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल एक ये भी है कि सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी में ही जनार्दन द्विवेदी हो या भुवनेश्वर कलिता हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, ये नेता आपकी बात क्यों नहीं सुन रहा है? ये कह रहे हैं अच्छा हुआ है 370 हट गई। और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है, और सिंघवी ने कहा है कि देश की जनता सरकार के समर्थन में इस मुद्दे पर, ये हम मानते हैं। जिन लोगों को जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री या कांग्रेस की हिस्ट्री पता नहीं है उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं, वो पहले जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री और कांग्रेस की हिस्ट्री में पकड़े और फिर कांग्रेस करें।